गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये एक तरीके की एक फॉर्मेट है, इस टाइप से आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एनुअल एग्जाम में आ सकता है। जैसे देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक। ये आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपको तीन ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा और उसको टिक करना होगा और ब्लैंक्स में फिल करना होगा। जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन नंबर वन मैंने जो सेट किया है, इस टाइप से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर, ये जो दिया हुआ तीन ऑप्शन, इसमें से करेक्ट आंसर आपको चुनना है और ये खाली जगह जो है इसे आपको फिल करना है, भरना है। तो जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है, द एग ऑन द रूफ ऑफ पेशियो वाज डैट ऑफ, द एग ऑन द रूफ ऑफ पेशियो वाज डैट ऑफ। आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा क्या पढ़ा है, ए हैं, ए स्नेक या ए पी हैं। आपने पढ़ा है फैमिली ऑन द रूफ में द गर्ल डू नॉट बिलीव दैट इट इज द एग ऑफ ए स्नेक बिकॉज इट वाज लार्जर इन साइज, इट वाज एग ऑफ पी है। आपने पढ़ा है कि लड़की को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जो है सांप का अंडा हो सकता है, क्योंकि ये साइज में बड़ा था और इसलिए ये क्या था, पीहन का अंडा था। तो क्या होगा, द एग ऑन द रूफ ऑफ पेशियो वाज डैट ऑफ ए पीहन। यहां क्या हो जाएगा, ए पीहन। उसके बाद सेकंड है, How long did it take for the eggs to hatch? इसे हैच होने में, सीखने में कितने दिन लगते हैं, उसके बाद उसमें बच्चे आते हैं तो कितने दिन लगते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था 3 वीक, तीन हफ्ते मीन्स हुए 21 डेज। 21 डेज का कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स मीनिंग 23 डेज होगा। इसमें देखिए तीन ऑप्शन आपके पास, 23 डेज, 1 वीक, 3 डेज। तो 1 वीक तो नहीं होगा, 3 डेज भी नहीं होगा, इट्स मीनिंग यही होगा 23 डेज। ठीक है। थर्ड देखिए, लुक लाइक ग्लासेस, ग्लास के जैसा क्या दिख रहा था, रूबीज आपने पढ़ा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको है रूबीज, ग्रेप्स, स्ट्रिंग। तो क्या होगा, ये रूबीज हो जाएगा, रूबीज लुक लाइक ग्लासेस। इसमें क्या फिल होगा, रूबीज, आर यू बी आई ई एस, रूबीज। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट इज बियॉन्ड द माउंटेन लाइन, माउंटेन लाइन से आगे क्या है, माउंटेन लाइन से आगे आपने पढ़ा है देयर इज फेरी लैंड बियॉन्ड द माउंटेन लाइन। तो फेरी लैंड है माउंटेन लाइन से बियॉन्ड, तो इसमें आप ऑप्शन देखें, द बोल्डर, फेरी लैंड, द बी होल्डर। तो क्या होगा, फेरी लैंड, फेरी लैंड। उसके बाद फिफ्थ देखें, व्हाट डज द बिग बबून वेयर। ऑप्शन है आपके लिए, लीव्स, ओल्ड क्लॉथ, नथिंग। तो बिग बबून क्या है, एक बंदर है, एक जाति है बंदर का जो कैरिबू में रहता है, ठीक है। तो कैरिबू के मैदानी हिस्से में पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जब वो क्लॉथ वियर कर लेता है तो इज लुकिंग मिस्टर सो एंड शो। लेकिन एक ये तो एक ये हो गया उस
कि वो कपड़ा पहन लेता है, लेकिन किसी जानवर को आपने कपड़ा पहनते देखा है? नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए क्या है, लीव्स, ओल्ड क्लॉथ्स, नथिंग। तो इसमें क्या होगा? नथिंग होगा। उसके बाद है सिक्स्थ है, दे आर गोइंग ब्लैंक्स अमेरिका इन मई। यहां से देखिए ग्रामर ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन है। दे आर गोइंग ब्लैंक्स अमेरिका इन मई। ऑप्शन है फ्रॉम टू फॉर। तो ये क्या लगेगा इसमें? टू आता है, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू शकरी, आई एम गोइंग टू मधुबनी, आई एम गोइंग टू दरभंगा। इस तरह से आप लोग बोलते हैं, आई एम गोइंग टू मुरिया, कुछ भी बोलते हैं जो उस जगह का नेम लेकर के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू आ जाएगा। दे आर गोइंग टू अमेरिका इन मई। उसके बाद सेवेंथ है, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक्स पीक इन द वर्ल्ड। तीन ऑप्शन आपके लिए है, हाईएस्ट, लोएस्ट, प्लेन। तो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है। तो इसमें क्या फील होगा? हाईएस्ट पीक होगा, हाईएस्ट फील होगा। HIGHEST, हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज, गो का पास्ट फॉर्म है। ऑप्शन है वेंट, गॉन, गो। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। तो यहाँ क्या फील हो जाएगा? वेंट फील हो जाएगा। पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट। नाइन्थ है, डूइंग व्हाट्स आल्सो कॉल्ड ब्लैंक्स। ऑप्शन है एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन। तो डूइंग व्हाट को क्या कहते हैं? डूइंग व्हाट को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। डूइंग वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। उसके बाद लास्ट है, टेंथ है, ब्लैंक्स, गंगा इज ए होली रिवर, द एन ए। ये ऑप्शन आपको, ये आर्टिकल है। और आपने आर्टिकल का रूल पढ़ा है कि जो चीज दुनिया में सिंगल होती है उससे पहले द लगाते हैं। तो ये गंगा रिवर, गंगा रिवर एक ही है ना, और तो कोई नहीं है। कहीं भी गंगा रिवर अलग एक दूसरा कोई रिवर नहीं है। तो इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा, द गंगा इज ए होली रिवर। तो इस तरह से देखिए, फर्स्ट में एपीहेन फिल होगा, सेंटेंस हो जाएगा, द एग ऑन द रूफ ऑफ पेशियो वाज दैट ऑफ एपीहेन। सेकेंड में ब्लैंक्स में 23 days फिल होगा, सेंटेंस होगा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एग्स टू हैच। इसका आंसर हो जाएगा 23 days। उसके बाद थर्ड है, ब्लैंक्स में फिल होगा रूबीज, सेंटेंस हो जाएगा रूबीज लुक लाइक ग्लासेस। उसके बाद फोर्थ है, वॉट इज बियॉन्ड द माउंटेन लाइन। ऑप्शन ब्लैंक्स में फिल होगा फेरी लैंड, सेंटेंस होगा वॉट इज बियॉन्ड द माउंटेन लाइन। और एक टाइप से क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा फेरी लैंड। उसके बाद फिफ्थ है, वॉट डज द बिग बबून वियर। ब्लैंक्स ब्लैंक्स है, उस ब्लैंक्स में फिल होगा नथिंग। ये भी एक तरह से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया नथिंग। उसके बाद सिक्स है, दे आर गोइंग ब्लैंक्स अमेरिका इन मई। ऑप्शन में फिल हुआ टू, सेंटेंस हुआ दे आर गोइंग टू अमेरिका इन मई। सेवेंथ है, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक्स में फिल हुआ हाईएस्ट। तो सेंटेंस हो गया माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एट्थ में ब्लैंक्स में फिल हुआ वेंट, तो हुआ आपका सेंटेंस पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट। नाइन्थ है, डूइंग वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैंक्स में फिल हुआ वर्ब, सेंटेंस हुआ आपका डूइंग वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। टेंथ है, ब्लैंक्स में द आया है, सेंटेंस हो गया द गंगा इज ए होली रिवर। तो ये आपका ब्लैंक्स को फिल करना था।
खाली जगह को फिल करने वाला था। अब हम लोग क्वेश्चन टू देखते हैं, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही है। इसमें आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसे अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी आपको ब्लैंक्स खाली जगह को भरने वाला है। इसमें यह है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है। यहाँ ब्लैंक्स में देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर द गिवन वर्ब विच इज इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा वो आपको ब्लैंक्स में भरना है। तो हम लोग को पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्ब का मेन फेस जो होता है, वर्ब अपने मेन शक्ल में होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ही है, ब्लैंक्स है एट एमसी डोनाल्ड्स और ब्रैकेट में वर्क है। तो वर्क है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें एक रूल्स है कि जब थर्ड पर्सन होता है या सिंगुलर नाउन होता है, थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन, तो वर्ब में हम एस लगा देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में अगर थर्ड पर्सन है या फिर सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्क है तो हम तो वर्क ही है तो ही थर्ड पर्सन हुआ, तो हम वर्क लिखेंगे और इसमें एस लगा देंगे, ही वर्क्स एट एमसी डोनाल्ड्स। उसके बाद टू है ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, जब भी ऑल ऑफ अस कहे तो बहुत सारे हो गए, ब्लैंक्स ऑल ऑफ अस ब्लैंक्स क्रिकेट एवरीडे, ऑप्शन है प्ले। ऑल ऑफ अस जब हमने कहा तो बहुत सारे हो गए, सिंगल नहीं है और सिंगुलर नहीं है, प्लुरल के साथ वर्ब जो होता है अपने फेस में जो होता है वो प्लुरल ही होता है, तो हम प्ले को नोट कर देंगे यहाँ ब्लैंक्स में। ऑल ऑफ अस प्ले क्रिकेट एवरी डे। उसके बाद थर्ड देखिए, अर्चना ब्लैंक्स न्यूज़पेपर डेली, ब्लैंक्स है रीड, ब्रैकेट में है रीड। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन, तो ये अर्चना क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर मतलब अकेला, सिंगल, सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन, सिंगल नाउन के साथ वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में वर्ब में हम इस लगाएंगे। तो रीड है तो क्या हो जाएगा, रीड तो हम लिखेंगे और चूंकि सिंगुलर नाउन है तो हम इसमें इस लगा देंगे वर्ब में, रीड्स, अर्चना रीड्स न्यूज पेपर डेली। उसके बाद फोर्थ है माई सिस्टर ब्लैंक्स मी इन माई होमवर्क, ब्रैकेट में हेल्प है। तो माई सिस्टर सिंगल है, सिस्टर्स तो नहीं, सिंगल है, सिस्टर है ओनली, तो क्या होगा, इसमें वही रूल फॉलो करेंगे, हेल्प लिखेंगे और चूंकि सिंगल है तो हम इस लगा देंगे, हेल्प्स माई सिस्टर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। उसके बाद फिर देखिए वी ब्लैंक्स टेलीविजन इन द इवनिंग वॉच, यहाँ देखिए वी क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है और ना तो सिंगुलर नाउन है, तो इससे इसमें हम क्या फिल करेंगे, वॉच को ऐसे ही लिख देंगे, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, वी वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, खाली जगह को करेक्ट वर्ड से फिल करना है, जो कि बॉक्स में ये जो ब्रैकेट है इसमें दिया हुआ है दो वर्ड, इनमें से चुन करके हमें खाली जगह को भरना है। चीता इज द ब्लैंक्स एनिमल, ऑप्शन है फास्टेस्ट लॉन्गर, तो क्या होता है, चीता फास्टेस्ट होता है तो इसमें फिल कर देंगे फास्टेस्ट, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। उसके बाद सेकेंड इट इज ए ब्लैंक्स डे टूडे, ऑप्शन है हॉट ग्रेट, तो इसमें क्या होगा, ग्रेट ऑकेजनली आता है और हॉट तो एक मौसम में हॉट ही रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो
इसमें क्या आ जाएगा, हॉट ज्यादा सुइटेबल है तो हम हॉट लिखेंगे, इट इज ए हॉट डे टूडे। उसके बाद थर्ड है, आयरन इज द ब्लैंक ऑफ ऑल मेटल, लॉन्गर मोस्ट यूजफुल, तो लॉन्गर तो नहीं होगा तो क्या होगा, मोस्ट यूजफुल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, सारे मेटल में, सारे धातु में, सारे धातु में जो है सबसे उपयोगी, सबसे इस्तेमाल के लायक क्या है, सब फायदेमंद जो है वो क्या है, आयरन है। क्या हो जाएगा इसमें, मोस्ट यूजफुल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल। उसके बाद फोर्थ है, जिराफ हैज ए ब्लैंक नेक देन अदर एनिमल्स, हॉट लॉन्गर, दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो हॉट जिराफ का दूसरे जानवर से ज्यादा गर्म गर्दन तो नहीं होता है, लॉन्गर होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, लॉन्गर आ जाएगा, एल ओ एन जी ई आर, लॉन्गर, जिराफ हैज ए लॉन्गर नेक देन अदर एनिमल्स। फिफ्थ है, अशोका वाज ए ब्लैंक्स किंग ग्रेट लॉन्गर, अशोका बहुत लंबा था या बहुत महान था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेट, ग्रेट किंग, महान राजा, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, अशोका एक महान राजा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर होगा, सम वर्ड्स मीनिंग, कुछ वर्ड्स मीनिंग है उसे लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फोर को हम लोग देखते हैं बच्चों। ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ वर्ड है जिसके मीनिंग लिखने के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि लॉन्ग है, ड्रीडेड है, श्रिक्ड है, फियर है, रूट है। ठीक है, तो ये देखिए वर्ड है लॉन्ग, लॉन्ग का मीनिंग क्या होगा, बीस्ड। उसके बाद वर्ड है ड्रीडेड, ड्रीडेड का मीनिंग क्या होगा, फियर्ड। श्रिक्ड है, श्रिक्ड का मीनिंग क्या होगा, शाउटेड लाउडली। उसके बाद फेयर, फेयर का मीनिंग क्या होगा, ब्यूटीफुल। रूट, रूट का मीनिंग क्या होगा, पाथ। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, टाइम की वजह से, कमी की वजह से कुछ कुछ ले रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है, ताकि आप लोग बेहतर से अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो ये कुछ वर्ड मैंने लिखा है, अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को करते हैं। ठीक है, एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ को फिर से, ये मीनिंग लिखना था, लॉन्ग का, ड्रीडेड का, श्रिक्ड का, फेयर का, रूट का। तो लॉन्ग का मीनिंग क्या होगा, विस्ड, ड्रीडेड का मीनिंग क्या होगा, फेयर, श्रिक्ड का मीनिंग क्या होगा, शाउटेड लाउडली, फेयर का मीनिंग क्या होगा, ब्यूटीफुल, और रूट, रूट का मीनिंग क्या होगा, पाथ। अब हम लोग आगे बच्चों, अब देखिए फिफ्थ को हम लोग देखते हैं, फिफ्थ का थ्री क्वेश्चन है इसमें, देखिए फिफ्थ में क्या है, गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, Why did the girl believe the eggs could not be a snake? Answer होगा, the eggs were larger in size, so girl believed that the eggs could not be a snake. Second है, what are compared to rubies? Answer होगा, fruits of fairyland compared to rubies, which look like glasses. Question number three है, why was Bahadur late for friends meeting? Answer है, Bahadur took long route while returning from the wood, so he was late for friends meeting. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार फिर से, Why did the girl believe the eggs could not be a snake? Answer है, The eggs were larger in size, so girl believed that the eggs could not be a snake. Question number two is, what are compared to rubies? Answer is, fruits of fairyland compared to rubies, which look like glasses. Question number three is, why was Bahadur late for France meeting? Answer is, Bahadur took long route while returning from the wood,
सो ही वॉज लेट फॉर फ्रेंड्स मीटिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर और फिफ्थ देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं। हाउ कैन द बिग बबून बिकेम ए जेंटलमैन। आंसर है व्हेन द बिग बबून ड्रेस्ड अप इट बिकेम ए जेंटलमैन। ये क्वेश्चन है कि बिग बबून कैसे जेंटलमैन बन जाता है। आंसर होगा जब बिग बबून ड्रेस्ड अप हो जाता है, कपड़ा पहन लेता है, तो वो जेंटलमैन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हेन एंड वेयर डिड काइट फ्लाइंग स्टार्ट। कब और कहाँ काइट फ्लाइंग स्टार्ट हुआ। आंसर है काइट फ्लाइंग स्टार्टेड इन चाइना बिफोर 200 ईयर्स एगो। काइट फ्लाइंग चाइना में शुरू हुआ 200 साल पहले। तो ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है इस तरह से, और कुछ आइडिया मैंने दिया है इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है अपने बोर्ड में दे सकते हैं, और मैंने ये थोड़ा छोटा किया है, आप इसको अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। एक एक आइडिया देने के लिए मैंने आंसर लिख दिया है, आप उसे देख करके इसको और अच्छे से इसे अपने अपने वर्ड में अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो किसी एंड पर आपको यूजफुल होगा, आपको हेल्पफुल होगा। इस उम्मीद के साथ आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय।